हेलो गाइज, आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स कोड पे। कोड करे बिना डरे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आ चुका हूं दोस्तों आईआईटी रुड़की की तरफ से समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह अप्लाई करना, सारा प्रोसेस को दिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल लेट्स कोड को, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को इसी तरह नई नई इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन, नई नई कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, नई नई वेबिनार क्विजेस एंड इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां से आप लोग ये पेज पर आ जाएंगे। आने के बाद आप लोगों को अप्लाई लिंक दिखेगा जिस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते दोस्तों फिर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, आईआईटी रुड़की के स्पार्क के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों समर इंटर्नशिप प्रोग्राम एट आईआईटी रुड़की। तो आप लोग को स्टाइपेंड भी मिलता है दोस्तों। अगर आप लोग इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं 2500 पर वीक आप लोग को स्टाइपेंड भी मिलता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कुछ सीख भी पाएंगे एंड आप लोगों को यहाँ पे स्टाइपेंड में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं दोस्तों एंड यहाँ पे दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो अगर आप लोगों का दो सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, मीन्स अगर आप लोग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे सीजीपीए भी आप लोग को ध्यान से आप लोग को देखना है दोस्तों। अगर आप लोग आईआईटीज या आईआईएससी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का सीजीपीए 7.5 से ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप लोग एनआईटी से आईआईएसटी से बिलोंग करते तो आप लोग का सीजीपीए 8.0 से ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप लोग कोई अदर कॉलेजेस से बिलोंग करते ये सारे में से हटा के तो आप लोग का सीजीपीए यहाँ पे 8.5 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो पूरा यहाँ पे दोस्तों डिपेंड करता है अपना सीजीपीए पे दोस्तों। तो आप लोग का सीजीपीए अगर 8.5 से ज़्यादा है दोस्तों, अगर आप लोग अदर कोई कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना। गाइडलाइंस देख सकते हैं किस तरह अप्लाई करना, वही चीज़ लिखा गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा दोस्तों। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऊपर में आप लोग देख सकते हैं कि स्पार्क नेशनल है, कि स्पार्क इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी अदर कंट्री के वो अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो नेशनल स्टूडेंट जो भी हम लोग के कंट्री इंडिया में जो भी अप्लाई कर पाएंगे उसके लेके यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्पार्क नेशनल पे आप लोगों को क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देख रहा होगा आप लोग को एप्लीकेशन नाउ लाइव। तो यहाँ पे रजिस्टर हेयर का एक ऑप्शन दिखेगा जिसपे आप लोगों को क्लिक कर देना। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना। अगर आप लोग का अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे साइनअप कर लेना है। साइनअप कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को नेम लिखना है अपना, उसके बाद आप लोग को ईमेल एड्रेस अपना डालना है दोस्तों। ईमेल एड्रेस में कोई भी गलती मत कीजिएगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आप लोग से जेंडर पूछा जाएगा, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर आप लोगों से कॉलेज आप लोगों से पूछा जाएगा। अगर अदर है तो अदर में यहाँ पे टिक कीजिएगा। फिर आप लोग से कॉलेज का नाम भी यहाँ पे पूछा जाता है, जो भी आप लोगों का कॉलेज का नाम है यहाँ पे डाल दीजिएगा आप लोग सिंपली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग का जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आप लोग से यहाँ पे देख सकते चूज कंट्री यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अगर ये तो नेशनल का ही है दोस्तों, तो यहाँ पे इंडिया आप लोग डाल सकते हैं। सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों को यहाँ पे। फिर दोस्तों आप लोगों का जो भी ईयर में आप लोग वो डाल दीजिएगा अपना सीजीपीए एंड फिर पासवर्ड आप लोग कर डाल दीजिएगा। उसके बाद कंफर्म कर दीजिएगा पासवर्ड को एंड फिर आप लोग रजिस्टर वाले टैब पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप लोगों का ओटीपी जाता है आप लोग का मेल पे, वो डालना है एंड वेरीफाई ईमेल पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोग को अप्लाई का एक बटन दिखेगा जिसपे आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा एंड यहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइन के सेक्टर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप दिया गया है किस तरह अप्लाई करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे इमेज अपना अपलोड करना है जो कि 200 KB के अंदर रहना चाहिए। किस तरह अपलोड करना है वो भी दिखाऊंगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करना है आप लोगों का, जो कि साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है उसी साइज में अपलोड करना है। फिर आप लोगों को एक रिसर्च स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना है जो कि 500 वर्ड से कम रहना चाहिए, जिसमें आप लोगों का रिसर्च वर्क जो भी आप लोग किए हैं या फिर इंटरेस्ट है अपने बारे में यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करना है। फिर आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, जो भी प्रोजेक्ट में आप लोगों को काम करना है इंटर्नशिप के टाइम में, तो आप लोगों को वो भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट का सेक्टर दिखेगा, यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज़ सबमिट कर देना है, अपना रिज्यूमे, अपना मार्कशीट, फिर अपना जो भी आप लोगों का व्यू स्टेटमेंट, वो सारे चीज़ आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ सबमिट करने के बाद आप लोगों को सबमिट वाले बटन पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों का सारा चीज़ यहाँ पे सबमिट हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का यहाँ पे टिक लगते जाएगा जैसे जैसे आप लोग सबमिट करते जाएंगे। तो सारे चीज सबमिट करने के बाद आप लोग का यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन स्टेटस में भी टिक लग जाएगा एंड फिर आप लोग कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का एप्लीकेशन। फिर आप लोग का सबमिट हो जाता है, फिर आप लोगों का जो एप्लीकेशन वो रिव्यू के लिए चला जाता है एंड टोटली आप लोग का डिपेंड करता है दोस्तों आप लोग एप्लीकेशन को किस तरह सबमिट किया उसी के बेस पर आप लोग का फिर सिलेक्शन होता है। फिर आप लोग को वेट करना है
है। एंड फिर अगर आप लोग का सिलेक्शन होता है तो आप लोग को ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि अगर आप लोग सेलेक्ट हुए होंगे तो दोस्तों आप लोग अप्लाई कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अप्लाई कर पाए। दोस्तों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आए हैं दोस्तों, अगर आप लोग एडवांस एक्सेल का फ्री कोर्स का सर्टिफिकेट अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं दोस्तों तो अभी कलेक्ट कर लीजिए। इसका एक्चुअल प्राइस देख सकते हैं 1476 है, लेकिन अभी आप लोग को कुछ टाइम के लिए फ्री में मिल रहा है तो अभी कलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप लोग इस कोर्स का सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों जाइए एंड इस सर्टिफिकेट को भी कलेक्ट कर लीजिए एंड इंटर्नशिप के लिए भी आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सर्टिफिकेशन कुछ नए कोर्सेज के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस।